ये हमारे चाचा ने रुबने हुए आज कुशवाई और ये भारत माता बनी हुई है, लेकिन इसको अब पेट में दर्द हो गया इसलिए ये स्कूल ही नहीं जा रही आज। और है दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और हरलिन रेडी हो गई है स्कूल जाने के लिए। पहले ये नहीं जा रही थी लेकिन अब बाद में ये गई थी। हमारे स्कूल का नेम है हेरिटेज वर्ल्ड इंटरनेशनल स्कूल। तो हमारी आज एक्टिविटी हुई थी, आज हमारा बैगलेस डे था इसलिए मैं भारत माता बनी हूँ और मैंने साड़ी मेकअप और ये नेकलेस पहन के गई थी। और हेलो गाइस, आज हम स्कूल में गए थे और मैं बनी थी भारत माता। तो देखो मेरी साड़ी कैसी लग रही है, कमेंट करके बताओ। और ये कुछ देखो नेकलेस पहनने की कोशिश कर रहा है अपनी दीदी का। आज फिर आपने क्या सुना है वो सुनाओ यहाँ पे। वंदे मातरम। वंदे मातरम सुना है आपने, मानो आप बताओ। नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आज मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ जिसकी शीर्षक है भारत माता प्यारी है उनकी महिमा न्यारी है। चम चम करे सुनहरे के हरे वस्त्र सुंदर बेश गोटे जड़ी किनारी है भारत माता प्यारी है। ज्ञानी व्याने जिनसे दुनिया हारी है भारत माता प्यारी है। धन्यवादा की आज्ञाकारी छात्र। तो कैसी लगी, तो गाइस आपको कैसी लगी मेरी साड़ी कमेंट करके बताओ। और ये साड़ी हमने ऑनलाइन मंगवाई है। तो हमारे लाइक सब्सक्राइब बहुत कम चल रहे हैं, तो प्लीज आप मेरी रिक्वेस्ट है आप थोड़े लाइक सब्सक्राइब कर दो। चलो एक डांस करके दिखाओ अब। कुछ तेरी पिटाई होगी। और कोई पोएम आप सुनाना चाहते हो जो अच्छी लगे? कुछ सुनाओ। वहाँ पीछे जाके खड़े हो जाओ, पीछे जैसे क्लास में जाते हो ना पीछे, ऐसे ही सुनाओ यहाँ खड़े होके सुना। सुना भाई सुना। नहीं आती क्लास में भी ऐसे ही करता है। हमारे लाइक सब्सक्राइब कम हो रहे हैं, प्लीज कमेंट लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो। अच्छा लाइक्स मेरा भैया बहुत शैतानी करता है। सॉरी है सॉरी। तो मुझे एक और पोएम आती है आम वाली, मैं आपको सुनाना चाहती हूं। कुछ ये पेन ना हाथ में लग जाएगी दे मुझे। देखो कितना ताजा है रंग है उसका पीला। सुनाने दे ना इसको। हां सुनो बेटा। मैम देखेगी ये वीडियो तेरी। कुछ घूम घाम कर घर को आए मैया को एक बात बताई, देख लिया हमने दिल सारा सबसे प्यारा घर हमारा। बेटा देख रही है खुल रही है दिए मैंने दिए चुप जाएगी। कुछ अब सुना। संडे स्पेशल वीडियो कुछ कुछ बोलना चाहेगा? हाँ। क्या बोलना चाहता है? तो आज कैसा लग रहा है मानु ये साड़ी पहन के तुझे? बहुत अच्छा। तो मैं आपको थोड़ा सा सॉन्ग सुनाना चाहती हूँ। देश मेरा रंगा है रंगीला देश मेरा रंगीला है वो देश मेरा रंगीला 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 देश मेरा रंगीला। तो दोस्तों आपको पता है कैसा लगा मैं मेरा रंगीला। तो गाइस आपको पता है हमारे तिरंगे में तीन रंग होते हैं और 15 अगस्त को
देश आजाद हुआ था, तो आज है 15 अगस्त, तो हम मना रहे हैं। हमने मनाई थी 15 अगस्त स्कूल में पार्टी। क्या क्या हुआ, क्या क्या एक्टिविटी हुई वहाँ? वहाँ पे एक्टिविटी हुई, मैंने पोएम सुनाई। सबसे पहले तो बड़े बच्चे आए, उनका हमने मेकअप किया था अच्छे से, और उन्हें वहाँ पे ओल लगाते भी हैं वो वाइट वाइट। बड़े बच्चों का हमने मेकअप किया था, जो बच्चे बच्चे थे छोटे बच्चों ने किया बड़ों का। और फिर थोड़ा मेकअप बच गया, वो छोटे बच्चों ने कर लिया था, जैसे हमारी क्लास ने, मैम्स ने भी बड़े बच्चों का मेकअप किया था। और तिरंगा नहीं फहराया गया स्कूल में, और केसरिया सफेद और हरा, ये तीन रंग होते हैं हमारे, और बीच में वो अशोक चक्र होता है, वो नीले रंग का होता है, उसमें 24 तिल्लियाँ होती है, मैं स्पोक्स मैंने राष्ट्रीय ध्वज कर रखा है ना। और इसके पास ऐसा सूट है क्या? हमारे इसने धरा के ऐसा बोला कि ना कि मेरे फ्रेंड के पास ऐसा ऐसे ऐसे कपड़े है ही नहीं। कैसे कपड़े नहीं है, ऐसी साड़ी नहीं है, किसी के पास नहीं थी ऐसी साड़ी। अच्छा, और ना आप क्यों नहीं गए आज स्कूल बताओ? मेरी छुट्टी। क्यों छुट्टी थी? क्योंकि मैंने